ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हर साल 10 अगस्त को भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 पर लगी धार्मिक रोक के विरोध में काला दिवस मनाता है। अनुच्छेद 341 के विषय में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने मीडिया से कहा कि संविधान में अनुच्छेद 341 पर 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होनी चाहिए, आरक्षण पेशे की बुनियाद पर जो संवैधानिक आरक्षण है, ये धर्म के नाम पर जो आरक्षण है ये असंवैधानिक है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और हर 10 अगस्त को काला दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। जंतर मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में मौलाना मदनी ने कहा, उन्होंने आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि अगर इस मुल्क में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता, आरक्षण दिया नहीं जा सकता, तो धर्म के नाम पर उनको वंचित भी नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई हमारी सड़क से लेकर कोर्ट तक चल रही है। उसी सिलसिले में एक सांकेतिक धरना आज 10 अगस्त 1950 को जो हुआ था, हर 10 अगस्त को हम सब मुत्तहिद होकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इस लड़ाई को लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की ओर से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मेहंदी ने भी अपनी जातिगत आरक्षण को लेकर राय रखी। 70 साल करीब हो गए ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम कोई नए आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, हम सरकार से नया कुछ नहीं मांग रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमें मिल रहा था, जो हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है, आप उसको वापस ले लें, हमें आरक्षण देना दोबारा से शुरू करें। खैर, आरक्षण किसे मिले और किसे नहीं, समय समय पर यह आवाजें बुलंद होती है, लेकिन इतना तो तय है कि अपनी मांग को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस बार विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। नई दिल्ली से न्यूज़ होल्डर के लिए गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।